ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଚୀନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଭାଗବତ। ଭାରତର ଜବାବରେ ଡରିଛି ଡ୍ରାଗନ। ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ପରେ ଚୀନକୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ନାଗପୁରରେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ। ଏହି ଅବସରରେ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ଚୀନର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ଚୀନର ନାଁ ଆସୁଛି, ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ କରୁଛି ନିନ୍ଦା। ସେପଟେ ଭାରତ ସୀମାରେ ଚୀନର ସାମରିକ ଗତିବିଧି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ଭାରତବାସୀ ଏକଜୁଟ ହେବା ପରେ ଚୀନକୁ ଦେଶର ଏକ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ମିଳିଛି। अभी सारी कोरोना महामारी में चाइना का नाम आता है, पता नहीं क्या है, संदिग्ध नहीं, निसंदिग्ध कुछ नहीं, शंकाएं है, संदिग्धता है, लेकिन चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है, इसके पहले भी आया है। ଚୀନର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତିକୁ ଜାଣିସାରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ସହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ଡ୍ରାଗନ। ଭାରତ ସହ ତାଇୱାନ, ଭିଏତନାମ, ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ ସହ ଚୀନର ପଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଏହା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ସୀମାରେ ବି ଆମର ସେନା ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ବୀରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया, सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है, और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं, और इसलिए इसका उपाय क्या है, सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସିଏଏକୁ ନେଇ ହିଂସା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। କରୋନା କାଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାମୂହିକତାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି। କରୋନାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ କମ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଭାଗବତ ବୁଝାଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସେପଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଟୁକୁଡ଼େ ଟୁକୁଡ଼େ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କଥା ବି କହିଥିଲେ। ଜୈବିକ କୃଷି ସବୁବେଳେ ଭାରତର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେହିପରି ସ୍ୱଦେଶୀ ନୀତିରେ ଭରିଛି ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲର ନୀତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପରିବାରରେ ହେଉ ଆଲୋଚନା, ଏଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ ବୋଲି ଭାଗବତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ये सारा दृश्य हमको दिशा निर्देश दे रहा है, भारतीयों को सबको एक भावना में मिल जाना चाहिए, अपने यहां जिसको इमोशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, भावनिक एकता, उस भावनिक एकता और भारत में सभी विविधताओं का स्वीकार सम्मान, इसकी जो भावना है उसके मूल में क्या है, उसके मूल में ये हिंदू संस्कृति है, उसके मूल में हिंदू परंपरा है, यहां का हिंदू समाज है, उसकी प्रवृत्ति स्वीकार की है, उसकी सहिष्णु आचरण पद्धति है, और वो सबका सम्मान आदर करना चाहता है, इसलिए सब चलता है। विजय दशमी अवसर रे देशवासी को दशहरा रो शुभेच्छा जणाइछंती आरएसएस रो सर संचालक मोहन भागवत। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।